नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की दो दिन की यात्रा पर पारो पहुंचे, कहा उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत को अलग थलग करने का पाकिस्तान का प्रयास बुरी तरह विफल। जम्मू कश्मीर में स्थिति में काफी सुधार, घाटी में सरकारी कार्यालय आज फिर से खुल गए, जम्मू संभाग के 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। 9 दिन तक चलने वाला राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव आज से लेह में शुरू। और टोक्यो में ओलंपिक के लिए हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की दो दिन की यात्रा पर पारो पहुंच गए हैं। पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोते शेरिंग, अनेक वरिष्ठ मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। नरेंद्र मोदी की यात्रा कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया है कि पारो से थिम्फू तक 50 किलोमीटर की सड़क यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अधिकांश स्थानों पर बच्चे और युवा भारतीय और भूटानी झंडे लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं। लगभग 27 घंटे के इस दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। यहाँ के राजा से उनकी मुलाकात, प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत और विपक्ष के नेता से उनकी भेंट, 10 समझौतों पर हस्ताक्षर, मानदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन, दक्षिण एशिया उपग्रह के भू केंद्र का शुभारंभ और रुपए कार्ड की शुरुआत। भूटान में कहते हैं आशी डेले, यानी आपके लिए सब अच्छा हो। रशीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, थिम्फू, भूटान। भूटान रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मौजूदा कार्यकाल के शुरुआत में उनकी भूटान यात्रा ये दर्शाती है कि भारत के अपने मित्र और पड़ोसी देश के साथ संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के लोगों की प्रगति और समृद्ध भविष्य के लिए मित्रता और प्रगाढ़ होगी। इस यात्रा से भूटान के साथ समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे संबंध और मित्रता को और बढ़ावा मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। उपराष्ट्रपति का यह दौरा बाल्टिक देशों की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। बढ़ते राजनीतिक संबंध और व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी को देखते हुए यह यात्रा महत्वपूर्ण हो गई है। इस यात्रा से भारत और बाल्टिक देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के अलावा आपसी सहयोग के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की पाकिस्तान की कोशिशें कल उस समय विफल रहीं जब सुरक्षा परिषद के अधिकतर स्थायी सदस्यों ने बंद कमरे में हुई अनौपचारिक बैठक में भारत का समर्थन किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ तौर पर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का भारत का कदम उसका आंतरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक चीन के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के मुद्दे पर विचार के लिए बुलाई गई थी। बैठक में 5 स्थायी सदस्यों और 10 अस्थायी सदस्यों ने हिस्सा लिया। सिर्फ चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। सुरक्षा परिषद के अन्य स्थायी सदस्यों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमरीका का कहना था कि कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सही ठहराए जाने और उनकी सराहना होने पर भारत ने संतोष व्यक्त किया है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित तमाम मुद्दे भारत का आंतरिक मामला है और इस बारे में भारत की स्थिति पहले भी यही थी और आगे भी यही रहेगी। उन्होंने कहा कि इसका कोई बाहरी आयाम नहीं है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग कश्मीर की चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं जो वास्तविक स्थिति से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले आतंक का अंत होना जरूरी है।
हमने कहा है कि आतंकवाद को उकसाया जा रहा है और कुछ लोग जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ की स्थिति समझ रहे हैं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस बैठक का क्या हुआ। हम सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास जारी रखेंगे। फ्री ऑफ टेरर एंड वायलेंस। अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय संसद के हाल के फैसलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जम्मू कश्मीर में सुशासन को बढ़ावा मिले और लद्दाख समेत समूचे जम्मू कश्मीर के लोगों का तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास हो। अकबरुद्दीन ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो एहतियात के तौर पर हैं। अकबरुद्दीन ने कहा कि पिछले 10 दिन में राज्य में हिंसा की घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में तमाम पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने के लिए वचनबद्ध है। जम्मू कश्मीर विशेषकर कश्मीर घाटी में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और सरकारी कार्यालय आज फिर से खुल गए। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव और सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने आज श्रीनगर में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू हो गई हैं। There has been no untoward incident. राज्य में किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य होने की उत्साहजनक खबरें मिल रही हैं। हम प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ सभी स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहे हैं। सोमवार से सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज भी पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। देयर विल बी फुल फंक्शनैलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज बिगिनिंग मंडे। रोहित कंसल ने यह भी कहा कि कश्मीर घाटी में 17 टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ संवेदनशील इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जगह टेलीफोन एक्सचेंजों को कल से फिर चालू कर दिया जाएगा। जम्मू संभाग के 5 जिलों रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी आज से बहाल कर दी गई है। श्रीनगर शहर और बडगाम जिले के अधिकांश हिस्सों में लैंडलाइन फोन सेवा शुरू हो गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने कल कहा था कि राज्य में दूरसंचार सेवाएं चरणबद्ध तरीके से बहाल की जाएंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बारामूला जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को घरों से कार्यालय तक लाने और शाम को उनको वापस घरों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष बस सेवा शुरू की है। बारामूला के उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो कर्मचारियों को काम पर लाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें। इस बीच नगर प्रशासन ने कल पेट्रोल और डीजल के 1313 ट्रक, 391 गैस टैंकर, एलपीजी सिलेंडरों से भरे 105 ट्रक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने अनाज से भरे 60 ट्रक, बेड़ों से भरे 53 ट्रक, 71 ट्रक पोल्ट्री के और ताजा सब्जियों से भरे 125 ट्रक आपूर्ति के लिए प्राप्त किए। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू कश्मीर से आरके रैना। इस बीच पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन की एक घटना में एक भारतीय सैनिक शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान लांस नायक संदीप थापा के रूप में हुई है। रक्षा प्रवक्ता ने आकाशवाणी को बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने आज सुबह लगभग 6:30 बजे मोर्टार से गोले दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी की। सतर्क भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की और हमले का माकूल जवाब देना शुरू किया। हालांकि दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी में लांस नायक संदीप थापा पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों के शिकार हो गए। अंतिम समाचार मिलने तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप किसी कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपकी कई शिकायतों के बाद भी उस सेवा प्रदाता ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की? तो अब समय है कंज्यूमर फोरम से संपर्क करने का। एक सादे कागज पर अपनी शिकायत सामान या सेवा लेने के 2 साल के भीतर उपभोक्ता अदालत में दर्ज करवाएं। साथ ही अपनी पिछली शिकायतों और बिल वगैरह की फोटोकॉपी भी लगाएं। उपभोक्ता अधिकार हक है आपका। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मिशन के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प है। राष्ट्रपति वर्धा में सेवाग्राम में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्वर्ण जयंती समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। हेल्थ रिमेन्स अ की डेवलपमेंट चैलेंज फॉर इंडिया। As a country with 18% of world population, we carry 20% of the prevalence of global diseases. Our government remains committed to tackle these through the flagship Ayushman Bharat program
एंड अदर हेल्थ मिशंस। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने टेक्नोलॉजी आधारित तौर तरीकों को अपनाते समय अधिकारियों की सोच में बदलाव पर जोर दिया है। वे कल गुजरात के अहमदाबाद में आयकर और जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों के 80 लाख पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान परिवार को 2000 रुपये की 3 किस्तों में साल में कुल 6000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाती है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में अब तक इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों का चयन हुआ है। इनमें से 29 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। यही नहीं, 15 अगस्त तक राज्य के 9000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में इस योजना की दूसरी किस्त भी जमा हो गई है। सतना जिले के एक किसान ने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताते हुए कहा। मेरा नाम निर्मल कुमार मौर्य है। मैं ग्राम पंचायत धने मढ़ऊ गांव का रहने वाला हूं। किसानों के लिए जो योजना प्रारंभ की है उससे हम किसानों को लाभ होगा। जो किसी कारणवश खेती को नुकसान होता था, योजना से प्राप्त राशि से आर्थिक संकट दूर होगा और किसानों को उस आपदा से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पटवारियों द्वारा ग्राम सभा के सहयोग से किसान परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद ही किसान परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध है। 9 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी समारोह आदि महोत्सव आज शाम लेह के पोलो ग्राउंड में शुरू होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समारोह का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव को जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। यह समारोह 25 अगस्त तक चलेगा। इस बार महोत्सव का विषय है जनजातीय शिल्प संस्कृति और वाणिज्य की भावना का जश्न मनाना। ब्यौरा हमारे संवाददाता रमेश चंद्र से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से पहली बार आदि महोत्सव में आदिवासी कारीगरों ने पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के उपयोग करके प्रमुख क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से कैशलेस लेनदेन के साथ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कौशल दिखाने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष संदेश में कहा कि जनजातीय कारीगरों को प्रदर्शनों को प्रचारित करने में, देश भर में पहुंचाने में और आदिवासियों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने में आदि महोत्सव मदद करेगा। ट्राइफेड के एमडी प्रवीर कृष्णा ने कहा, ट्राइब्स इंडिया के अपने ई कॉम पोर्टल tribesindia.com के अलावा वे प्रमुख ई कॉमर्स पोर्टल और भारत सरकार की GEM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में कल से हो रही लगातार वर्षा से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। रेल मार्ग पर पानी भर जाने के कारण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे ने कुछ लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सर्कुलर ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। सड़क पर भी यातायात बाधित हुआ है और कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ानें भी प्रभावित हुई। राज्य में कल से हुई बारिश की घटनाओं में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के दक्षिणी भागों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। टोक्यो में आज ओलंपिक के लिए हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराया। भारत की पुरुष टीम का पहला मैच मलेशिया से होगा, क्योंकि भारत की दोनों टीमों ने FIH सीरीज फाइनल्स जीतकर इस वर्ष बाद में होने वाले FIH ओलंपिक क्वालिफायर में अपना स्थान बना लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की यात्रा पर पारो पहुंचे। उन्होंने कहा, उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत को अलग थलग करने का पाकिस्तान का प्रयास बुरी तरह विफल। जम्मू कश्मीर में स्थिति में काफी सुधार। घाटी में सरकारी कार्यालय आज फिर से खुल गए। जम्मू संभाग के 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बहाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम से लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। 9 दिन तक चलने वाला राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव आज से लेह में शुरू। और टोक्यो में ओलंपिक के लिए हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।